नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि घर, परिवार और हमारे रिश्ते, कम्युनिटी या समुदाय बनाने में हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वीडियो में भी हम कम्युनिटी की और बात करेंगे। हम देखेंगे कि स्कूल, नेबरहुड, सोशल मीडिया और नेचर का क्या रोल होता है एक संवेदनशील समुदाय या कम्युनिटी बनाने में। स्कूल बच्चों की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। वो अपने दिन का ज़्यादा समय स्कूल में ही बिताते हैं। शायद इसीलिए वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि स्कूल में एक क्लियर हायरार्की होती है जिसके बेसिस पे बच्चों को ट्रीट किया जाता है। ज़्यादातर स्कूल में उन बच्चों को सराहना और शाबाशी मिलती है जो पढ़ाई या खेलकूद में अच्छे होते हैं। जाने अनजाने में ही सही, पर टीचर्स अक्सर ऐसे ही बच्चों को ज़्यादा मौके देती हैं, इन्हीं की ज़्यादा तारीफ करती हैं। जो बच्चे इस सोशल हायरार्की में नीचे होते हैं उन्हें कम विजिबिलिटी मिलती है। मोस्ट लाइकली ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ाई लिखाई में कठिनाई होती है। उन्हें स्कूल में अक्सर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। फिर स्कूल उनके लिए एक सुरक्षित जगह नहीं रहती है। वो अपने आप को क्लास का या स्कूल का हिस्सा नहीं समझते हैं। ऐसे में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी टीचर उन्हें किसी बात के लिए शाबाशी दे, उन्हें भी किसी चीज़ के लिए चुने, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। पर अगर मिडिल स्कूल तक आते आते भी उनकी कहानी अनकही या अनसुनी है तो ये बच्चे फिर कोशिश करते हैं अपने सहपाठियों की तरह बनने की, खास करके जो लोग पॉपुलर होते हैं उनकी तरह। और जब वो सीनियर स्कूल में आते हैं और टीनेजर्स होते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी भावनाएं और वो अपने आप को पूरी तरह से छुपा लें। या दूसरी ओर वो जोखिम भरे कदम उठाने लगते हैं, वो अग्रेसिव हो जाते हैं। इस माहौल में बुलिंग की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वैसे तो आजकल हमारे स्कूल और सिस्टम बदल रहे हैं, ज़्यादा सम्मिलित या इंक्लूसिव हो रहे हैं, पर फिर भी देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। एक सम्मिलित और सुरक्षित वातावरण में बच्चे पढ़ाई लिखाई में तो आगे बढ़ते ही हैं, साथ ही वो दोस्ती, काइंडनेस और कोलैबोरेशन जैसे ज़रूरी वैल्यूज़ भी सीखते हैं। वो आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। तो सोचिए एक ऐसा स्कूल जहाँ हर बच्चा आत्मविश्वास महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे, जहाँ हर बच्चे को विजिबिलिटी मिले, ये संदेश मिले दैट यू आर वर्दी एज यू आर, तुम जैसे हो वैसे ही योग्य हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कम्युनिटी का पूरा एहसास हो तो ज़रूरी है कि वो अपने आस पड़ोस को भी जाने, अपने पास के पार्क्स में खेलें और कॉलोनी की दुकानें या गलियां एक्सप्लोर करें। इससे उन्हें अपनी कम्युनिटी में ओनरशिप तो महसूस होगी ही, इससे उनके काफ़ी लाइफ स्किल्स भी बढ़ेंगे। आप भी अपने बच्चे और उनके दोस्तों के साथ कॉलोनी में कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू कीजिए, जैसे कि सफाई का या एनिमल्स की केयर करना या फिर एक गराज सेल या गार्डनिंग। बच्चों की सुरक्षा के प्रति आपकी चिंता हम समझ सकते हैं, इसीलिए अपने बच्चों के साथ सेफ्टी के बारे में डिस्कस कीजिए, मिलकर कुछ बाउंड्रीज तय कीजिए। अगर आप उनके साथ ये सब बातें डिस्कस करेंगे तो आपकी चिंता कम होगी। अब वक्त है नए ज़माने की नई कम्युनिटी के बारे में बात करने का। सोशल मीडिया। आजकल हमारे बदलते जीवन के कारण हमारा समुदाय कम हो रहा है, बदल रहा है। इसीलिए शायद युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पे अपनापन, एक्सेप्टेंस और रिकग्निशन ढूंढ रही है। जो बच्चे असल ज़िंदगी में अपने आप को अनदेखा महसूस करते हैं वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। हर लाइक के साथ उन्हें अपना अनदेखापन कम होता महसूस होता है, पर इससे शायद ही उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। टीनेजर्स जो सालों से अनदेखा महसूस करते आए हैं या जिन्हें अपनेपन की कमी महसूस होती है वो गलत संगति में भी पड़ सकते हैं। उन्हें सदस्यता या बिलोंगिंगनेस की बहुत आवश्यकता होती है,
इसी के चलते वो सोशल मीडिया या अपनी गेमिंग कम्युनिटी से जुड़ने में ज़्यादा कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया बच्चों को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से दूर ले जाता है। बच्चे जितना समय सोशल मीडिया या स्क्रीन के सामने बिताना पसंद करते हैं, अब शायद उतना समय उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट में या प्रकृति में बिताना पसंद नहीं आता। लेकिन प्रकृति से जुड़ना हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों के साथ प्रकृति में भी बहुत समय बिताएं, शहर में या शहर के बाहर। बच्चों के साथ आप भी पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सीखें, उस पर गौर करें, क्योंकि हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति, हमारी कम्युनिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस व्यस्त जिंदगी की तेज़ रफ्तार में बच्चों के पास आजकल बहुत कम देखभाल भरे रिश्ते रह गए हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, सब बच्चों के लिए एक संवेदनशील कम्युनिटी बनाने की कोशिश करें, जहां उन्हें ये संदेश मिले, आई सी यू, आई हियर यू एंड आई एम पार्ट ऑफ योर टीम। इस वीडियो में जिन चीज़ों के बारे में हमने बात करी है, अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये किताब पढ़िए, ऑल यू नीड इज़ लव बाई डॉक्टर शैलजा सेन।